मतलब 1 लाख वोटों से 1 राशन की जीत आप मानकर चल रहे हैं। मैं 50-60 हजार की मान के चलता हूँ उसमें, फिर चूंकि देखो हम अनुमान लगा रहे हैं जो हमारे पास आंकड़े रखे हैं अभी की, जो इसमें आंकड़े हैं जो परसेंटेज वोट का गणेश चौहान का मुखर भी हो, वहां से एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ, और दूसरा 1 राशन का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा मोहरा, ये दो फैक्टर बड़े मजबूत रहे जिससे पूरा चुनाव बदल कर रख गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। सब जानना चाहते हैं कि कैराना लोकसभा सीट पर आखिर क्या हुआ। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीति के विश्लेषक लोकेश सलारपुरा जी मौजूद हैं और इन्होंने पूरी लोकसभा के आंकड़े निकलवाए हैं और इन आंकड़ों पर ही आज बात करेंगे। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद विपिन जी, बहुत 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 दिन बाद मिले आज तो आप। बड़ी मेहनत कर रहे हो, आपने तो पूरी लोकसभा के आंकड़े निकलवा लिए। मैं कौन करने वाला साहब, प्रत्याशी लोग करते हैं। तो क्या आपको नजर इस लोकसभा सीट पर आ रहा है? देखो साहब, इस चुनाव में, इस लोकसभा में क्या, बल्कि कई सारे आसपास की लोकसभाओं में, पहले पूरे चरण में नजर यह आया है, 102 सीट पर चुनाव हुआ है, कि इस बार चुनाव जो है मुद्दों पे हो रहा है। इस बार कोई लहर नहीं है, जैसे 2014 के चुनाव में लहर थी, 2019 के चुनाव में लहर थी, इस बार कोई लहर नहीं है। जब लहर नहीं होती तो चुनाव मुद्दों पर आता है। लहर ना होने की वजह भी कि कुछ वोट परसेंटेज 5-6% कम है। हालांकि जब वोट परसेंट कम होता है, लहर नहीं होती, तो सत्ताधारी पार्टी को हमेशा नुकसान होता है, ये देखा गया आज तक का ट्रेंड। तो मुझे लगता है ये चुनाव आमतौर पर भाजपा को काफी भारी बैठने वाला है। मतलब वो हिंदू मुस्लिम वाला आपकी बात चुनाव नहीं है, मोदी मैजिक समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी मैजिक समाप्त होता दिख रहा है, बल्कि सच बताऊं एक लाइन में, तो जो चुनाव है ये मोदी बनाम मुद्दा हो गया, यानी मोदी के सामने मुद्दे खड़े हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं और वो सारे असर कर रहे हैं अंदर तक चुनाव में। तो ये स्थिति इस बार चुनाव में रही, क्योंकि लहर के बगैर चुनाव है तो महसूस हो रहा, देखने में बड़ा ठंडा चुनाव लगता है। वोटर उदासीन है, जो किसी उसका कोर वोट बैंक है, किसी पार्टी जैसे बीजेपी का कोर वोटर है, वो वोट डालने बहुत कम लोग गए हैं, ज्यादातर वोट परसेंट इसलिए कम हुआ, वोट डालने गए और किसको दे, किसी और को हम दे नहीं सकते, इनको दे क्यों यार, छोड़ घर बैठ जाओ। तो ये नुकसान भाजपा को इस बार है। ये कहना लोकसभा के कागज आप हाथ में ले रहे हैं जी, इनमें आपने जोड़ घटा गुणा भाग भी जरूर कर लिया होगा जी, तो क्या आपको नजर आ रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखो 5 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभा में पिछली बार प्रदीप चौधरी ने, बीजेपी जो कैंडिडेट था, वो सिर्फ नकुड़ से हार करके गया था कुछ वोट से, थोड़े से वोट से, और वो बाकी 4 विधानसभा में जीत कर गया था। इस बार सिनेरियो में थोड़ा सा बदलाव ये आया है कि कैराना से 1 राशन बहुत मजबूत है, उसके बाद आपकी सीट आती है शामली, शामली में प्रदीप चौधरी मजबूत है, थाना भवन सीट में इस बार प्रदीप चौधरी कमजोर है। तो मेरा मानना यह है कि शामली जिले में जो लीड कैराना से सब गठबंधन कैंडिडेट लेकर के आएगा, वो बाकी 2 विधानसभाओं में जो आपस में शामली और थाना भवन, उनकी एक दूसरे के ऊपर नीचे बराबर हो जाएगी, यानी जो कैराना से आएगी वो फाइनल होगी, यानी जो कैराना की लीड होगी वो पूरे शाम जिले की लीड मान सकते हैं आप। उसके बाद 2 विधानसभाएं नस्ती है, नकुड़ से पिछली बार भी हार करके गए थे और इस बार भी मुझे लग रहा है शायद नकुड़ से विरोध ही रहेगा। गंगो सीट के जो आंकड़े हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पत्रकार मुझसे पूछ रहे थे, गंगो सीट के आंकड़े बहुत विरोधाभास है। अब वो विरोधाभास क्या, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हम कैराना में गए तो वहाँ जो हिंदू गुजरों के वोट गाँव है, वहाँ वोट परसेंट बहुत डाउन है, यहाँ ऐसा नहीं पाया गया। यहाँ हिंदू बहुल गांव में वोट परसेंट एवरेज के आसपास, एवरेज से ऊपर है, वहाँ बहुत कम भी था, थाना भवन में बहुत कम था, शामली में बहुत कम था। यहाँ जैसे कल्लेरेडी गांव है, जाटुआ गांव है, वहाँ वोट परसेंट एवरेज से ऊपर है, जैसे बाकी जाटू के जो और जो गांव है उनमें एवरेज से कम है, 50-55 के आसपास है, एक विरोधाभास। दूसरा जो गंगो के बूथ है, वहाँ जो एवरेज है वो कम है, गंगो के हिंदू बहुल बूथ पर भी और मुस्लिम बहुल बूथ पर एवरेज बहुत कम रहा है। गंगो ब्लॉक में 3 कस्बे हैं, गंगो, तीतरो और अम्बैठा। तीतरो में यही कंडीशन है, चौधरी का गढ़ है तीतरो, वहां भी वोट परसेंट कम है, अम्बैठा में भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही है लेकिन वहां भी वोट परसेंट कम है। ये एक आश्चर्यजनक चीज मुझे देखने में सामने मिली, लेकिन देहात में वोट परसेंट पूरा है। तो गंगो में जैसे लोगों ने मुझे बताया कि पहले से भी, पिछली बार भी, यहाँ वोट परसेंट आमतौर पर हिरोज का काउंट करते लोग, ये गढ़ है यहाँ माउंटन का, क्या वोट परसेंट पहले भी कम रहता है, चूंकि यहाँ के मुसलमान ज्यादातर बाहर रहते हैं, हो सकता है ऐसा हो, वैसे कुछ ऐसा कई लोगों ने बताया कि यहाँ वोट परसेंट कम रहता है, लेकिन जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे उनका वोट परसेंट भी बिलो एवरेज है, एवरेज से काफी कम रहा है और वो काफी बड़ा अंतर है।
तो चुनाव के प्रति उदासीनता ये मुस्लिम मतों में भी है या बस खासकर हिंदू मतों में? नहीं, मुस्लिम मतों में उदासीनता बिल्कुल नहीं, मुस्लिम मतों में तो पूरा जोश है, इसलिए एवरेज इतना आ भी गया। अगर आप हिंदू मतों में चले जाते तो जो एवरेज 64 के आसपास चल रहा है तो ये बहुत कम होता, ये तो 50-55 पे आगे टिकता। ये तो लगभग मुस्लिम बहुल बूथ की वजह है कि उन्होंने 70-75 से ऊपर ही रखा ज्यादातर जगह, 80 तक भी गए हैं, नहीं तो फिर तो बहुत कम हो जाता है उनका। मतलब एक मोटा अंतर बताऊं कि जो एवरेज बिल एवरेज से नीचे है तो वो लगभग 15-20% तक नीचे है एवरेज में, और जो एवरेज से ऊपर है वो 15-20% का फर्क है, तो बड़ा फर्क है, ये बीजेपी को नुकसान दे सकता है। अच्छा, जिस तरीके से आप नकुट विधानसभा की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मत प्रतिशत बड़ा अच्छा हुआ है, 70% के करीब वहाँ पर मतदान हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मुकेश चौधरी, उन्हें बड़े ही एडी चोटी का जोर लगा रखा था, खूब चप्पल उन्होंने घिसी। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहां पर भी प्रदीप चौधरी की हार होगी? क्या पिछली बार वहां धर्म सिंह ने जोर नहीं लगाया था 2019 में? बताइए आप मुझे, पूरा जोर लगा था धर्म सिंह ने पिछली बार 2019 में, उन्हें पूरी ताकत लगाई थी, उसके बाद प्रदीप चौधरी हार के आए थे वहां से तबस्सुम के सामने, चूंकि इनका कराने वालों का वहां ठीक ठाक स्थिति है, मुस्लिम गुर्जर वोट भी काफी है, मुस्लिम वोट भी काफी है, सैनी वोट भी प्रभावशाली है, इस बार सैनी में नाराजगी थी। अब लोगों का मानना यह है कि धर्म सिंह के आने से नाराजगी हटी, लेकिन मेरी कई सैनियों से बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है, उनका कहना यह है कि नाराजगी क्या बल्कि बेइज्जती हुई है। अभी कैसे कहें, दो बार बेइज्जती की धर्म सिंह जिन्होंने, एक बार नागल वापस भेजा 2022 में, और इस बार अगर जिस दिन योगी सहारनपुर में थे उसी दिन इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, अगर योगी के सामने ज्वाइनिंग हो जाती तो सम्मान था, शायद दूसरा असर होता, तो एक नाराजगी मुझे नजर आई है। बाकी तो 4 जून में पता लगेगा भाई नाराजगी कहाँ तक गई है, लेकिन रास्ता चला कि एक सुखेड़ी गाँव है वहाँ वोट परसेंट बहुत बढ़िया सैनियों का, यहाँ आपकी गंगो विधानसभा में भी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ थोड़ा गंगो विधानसभा विरोधाभास है, बाकी जगह तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। राजपूत समाज में आपको क्या स्थिति नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मतलब वो असर होता हुआ दिखाई दिया? देखो अभी तो ये पड़ी है यहाँ आपके पास, थाना भवन की पड़ी है और गंगो की पड़ी है, राजपूत जितने बहुल गाँव वहाँ वोट परसेंट बहुत डाउन है, और जो वोट पड़ा है वो मुझे लगता है इसमें काफी सही खराब हो गया है। और एक चीज और जिस पे भाजपा बड़ी बल्ले बल्ले है कि जयंत का लाभ मिलेगा, जयंत का लाभ मिलेगा, मैं बड़ी ईमानदार से कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ, मुझे जयंत चौधरी से गठबंधन करने का जाट वोट का लाभ पूरी किसी भी विधानसभा में मिलता नजर नहीं आ रहा है। शामली में थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, वो भी शायद इसलिए कि वहाँ बनिया वोट भी काफी है, विधानसभा अदर वोट भी काफी है, वहां तो लाभ आपको मिलता नजर आता है, वहां से शायद 10-15 हजार से 5 के 15 के बीच में भाजपा जीत भी सकती है, लेकिन आपका थाना भवन विधानसभा में जाट राजपूतों से ज्यादा है, ये असर वहां दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, जो बूथ के हिसाब से मैं अगर आकलन करता हूँ तो आपके गंगो विधानसभा में नजर नहीं आया, बहुत सारे गाँव आप देखना बिनपुर वगैरह कई सारे गाँव में जहाँ परसेंटेज बहुत कम है, और शायद नकुल विधानसभा जाट कुछ कम ही है, उसमें भी मैंने पूरा कैलकुलेशन किया भी नहीं विधानसभा वाइज, तो वो जो जाट का फैक्टर है कि गठबंधन का लाभ मिलेगा, मेरा अपना अनुमान है कि जो 2019 में जाट वोट इनको मिला था जब भी गठबंधन था दूसरों के साथ था उनका, उसके बाद जाट वोट मिला था भाजपा को, इस बार मुझे उससे कुछ कम मिलता नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इकरा हसन के साथ दो बड़े मजबूत परिवार चुनाव मैदान में थे, उनका साथ दे रहे थे, चौधरी परिवार और काजी परिवार, तो चौधरी परिवार की आपको क्या स्थिति नजर आई, जिस तरीके से पिछले कुछ चुनाव में उन पर आरोप भी लगे हैं, तो क्या इस चुनाव में उनकी ईमानदारी कहीं देखने को मिली, उनके कार्यकर्ताओं का किस प्रकार का आचरण रहा, किस प्रकार की आपको एक्टिविटी नजर आई? देखो दोनों परिवारों में एक राजनीतिक समझ का अंतर दिखाई दिया मुझे, जैसे जैसे ही गठबंधन में थे तो नुमान मसूद परिवार की ओर से कोई भी राजनीतिक कच्चा पर नजर नहीं आया, वो एक बिल्कुल पके पके राजनीतिक की तरह व्यवहार कर रहे थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी से इकरा को चुनाव लड़ाया है, और पूरी ईमानदारी से चौधरी परिवार ने भी चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जगह से मालूम हो जाता है, पूरी ईमानदारी साथ उन्होंने वोट डलवाए हैं, अपने जितने भी समर्थक के सबके वोट इकरा को डलवाए हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन एक राजनीतिक कच्चापन झलका उनके व्यवहार में, वो लेट कर गए, जो बीच में थोड़ा ड्रामा रहा ना, हम इधर है हम इधर, बार बार उनके इंटरव्यू आते रहे, बार बार मीटिंग होती रही, उसकी आवश्यकता नहीं थी, वो एक गैर जरूरी कदम रहा, उससे थोड़ी इमेज पे थोड़ा डेंट है हल्का सा हो रहा, लेकिन जब वो आए, जब लखनऊ से लौट के आए, उसके बाद कोई शक नहीं 200% उन्होंने योगदान दिया अपना, मतलब उनके समर्थकों ने वोट दिया है, उन्होंने खुद दिलवाया भाई, पूरा वोट आया उनका, मतलब जिस तरीके से एक वीडियो हम देख रहे थे, इंद्र सेन खुंटा गाड़ रहे थे, तो वो खुंटा गाड़ दिया उन्होंने बेशक,
उनके उनके प्रयास में कोई कमी नहीं, ईमानदार से प्रयास किया है। बाकी आज भी अपने समर्थकों ईमानदार से खुद प्रयास करा, समर्थक अगर ईमानदार है तो वोट देंगे। और ये तो भाई देखो वोट वोट में डलता है, कोई समर्थक कहने बाज ना दे तो वो क्या कर सकते हैं, वोट तो चुपचाप अलग से डलता है। लेकिन उनके प्रयास में कोई कमी नहीं है, उनका 200% ईमानदार प्रयास रहा, इसमें कोई शक नहीं। काजी परिवार का भी यही रहा है, इनका शुरू से रहा, उनका थोड़ा लेट हुआ। गंगो तो काजियों का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर भी मतदान का जो प्रतिशत है वो कम आप बता रहे हैं। देखो हिरोजगंज मैंने आपको बताया कि मतदान यहाँ कम लोग कहते रहता ही है, अब ये तो फिर तीतरों में भी कम रहा है, वो उनका गढ़ है चौधरी होगा, इसे क्या कहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी लड़ फेर है थोड़ा सा, मतलब यहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या वजह रही होगी। लेकिन ये दोनों तीनों गढ़ में इनका उनका गढ़ में उनका वोट परसेंट उतना ही कम है, इनके गढ़ में इनका वोट परसेंट इतना ही कम है। लेकिन गंगो में दूसरी चीज भी, जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पे वोट परसेंट कम ही है, तो भाजपा का भी अपना गणित गड़बड़ाया है। एक चुनाव मैंने और बात महसूस की, विपिन जी शायद आपने महसूस की हो, मुझे इस चुनाव में आरएसएस का कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया। भाजपा के कार्यकर्ता नजर आए हैं लेकिन आरएसएस का कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया। दूसरी चीज, भाजपा का संगठन जो बूथ लेवल का संगठन है वो पिछले चुनाव के मुकाबले मुझे कम से कम 50-60% कमजोर नजर आया। इकरा हसन के चेहरे का गठबंधन को कितना लाभ हुआ, जिस तरीके से लंदन से पढ़कर आई है और व्यवहार भी आपने चुनाव में उनका देख लिया होगा, तो उसका लाभ इकरा हसन को कितना नजर आया? चुनाव को दो चीजों ने बदला है। पहला, मनीष चौधरी का, मनीष चौहान का मुखर विरोध, वहां से एक परसेप्शन बनना शुरू हुआ। और दूसरा, इकरा हसन का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसका चेहरा मोहरा, ये दो फैक्टर बड़े मजबूत रहे जिससे पूरा चुनाव बदल कर रख गया। बहुत जबरदस्त प्रभाव, मैं पर्सनली मानता हूँ कि 50,000 वोट तो शायद इकरा के चेहरे पे मिल जाएंगे इस लोकसभा। तो ये जो चुनाव मत प्रतिशत कम हुआ और जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि वोटरों में भाजपा को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई थी, कुछ उदासीनता दिखाई थी, तो वो प्रदीप चौधरी के चेहरे को लेकर उदासीनता थी, नाराजगी थी, या भाजपा को लेकर ही? देखो अब सहारनपुर में तो प्रदीप चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर प्रदीप चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जितने केवल केरला लड़ रहे हैं ना, और परसेप्शन यहाँ बन गया था ये हर सीट पर इस तरह बना हुआ है। मेरा पता नहीं कई बार मेरे दिमाग को चीज लगती है कि तो क्या होता है कि जब मोदी चुनाव जीतते हैं तो मोदी ने जीतवा दिया, जब चुनाव वो हारते हैं तो भाई ये प्रत्याशी हार गया। तो मुझे लगा शायद बीजेपी या जो टॉप लीडरशिप, इनको महसूस था कि इस बार विरोध है, तो उन्हें पहले ही इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया कि प्रदीप चौधरी का विरोध है या बालियान का विरोध है या राघव रखनपाल का विरोध है। मेरा अपना पद देखकर मैं अपनी केरला सीट की बात बता सकता हूँ विपिन जी आपको, बड़ी ईमानदारी के साथ में, हालांकि मैं भी कह रहा था प्रदीप चौधरी का विरोध था, इसमें कोई शक नहीं है, एक सांसद के बतौर विरोध जो था वो था उनका। लेकिन अगर ये चुनाव हारती है बीजेपी या प्रदीप चौधरी का चुनाव हारते हैं, तो एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, प्रदीप चौधरी का अपना इसमें योगदान 20% ही रहेगा, जो उनका कनेक्टिविटी कम रही है या काम नहीं कर पाए लोगों की, ये तो होता है। लेकिन उसके बावजूद भी निष्क्रिय लोग भी चुनाव जीतते हैं, मोदी के नाम पे जीत के आए पहले कई बार, बहुत लोग देखे हैं। अगर चुनाव हारते हैं तो इसमें 80% पार्टी का, उनकी नीतियों का, उनका योगदान रहेगा, प्रदीप चौधरी का पर्सनली व्यवहार है 20% योगदान रहेगा। अगर मजबूत भाजपा होती तो इस सबके बावजूद ही प्रदीप चौधरी चुनाव जीत जाते। क्यों मैं कह रहा हूँ उस बात को, प्रदीप चौधरी से पहले 2-3 बार विधायक रहे हैं, वही तो प्रदीप चौधरी रहे होंगे। तो अगर ऐसा होता कि वो पहले भी उनकी कनेक्टिविटी इतनी वीक थी जब विधायक थे तब भी ऐसे ही थे, तो अगर अब तो बल्कि 5 गुना क्षेत्र बढ़ गया था, तो अगर ऐसा होता कि उनके विरोध के आधार पर उनसे नाराजगी होती तो फिर लोकसभा चुनाव ना जीतते वो। ये सब जो था एक पार्टी का माहौल था, प्रदीप चौधरी सर पे ठीक रखो पता फूट गया, थोड़ी बहुत उनकी गलती रही होंगी, उनका ज्यादा माहौल बन गया और उनके खिलाफ माहौल बना भाजपा के अंदर से ही, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर से जो मनीष चौहान भाजपा के आदमी थे, वो किसी सपा के लोकदल के नहीं थे, किसी सपा वाले ने, लोकदल वाले ने, कांग्रेस वाले ने उनके खिलाफ माहौल नहीं बनाया था, माहौल बनाया भाजपा ने उनके खिलाफ। इसलिए प्रदीप चौधरी को 20% से ज्यादा मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, 80% दोष भाजपा का अपना है। भाजपा ने क्या बनाया, मतलब सीधे तौर पर आपका इशारा मनीष चौहान की तरफ है, मनीष चौहान ने प्रदीप चौधरी के खिलाफ माहौल भाई सबसे पहले माहौल किसने खड़ा किया था, मनीष चौहान ने तो खड़ा किया था उनके लिए भाई। वो हालांकि ऐसा नहीं कि उनका अधिकार था, वोट मांगना चाह रहे थे, वो अपने वोट के लिए तैयारियां कर रहे थे, अपने वोट अपनी टिकट सॉरी टिकट की तैयारी कर रहे थे, इसी वजह से माहौल बन गया। यहाँ गुज्जर गौरव यात्रा है उसका लेकर ठाकुरों में रोज चला गया, मनीष चौहान ने वो कराई थी, इनके प्रदीप के गढ़ में कराई थी, सारा काम हुआ था। तो जो विरोध की शुरुआत, मुखर विरोध की शुरुआत हुई थी, अंदर खाने विरोध होता है सबका, लेकिन उसको जो चेहरा, जो उसको आवाज दी, वो मनीष चौहान ने दी थी। मनीष चौहान तो बीजेपी के आदमी है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रदीप चौधरी के खिलाफ एक माहौल बनाया तो वो किसी लोकदल कांग्रेस सपा ने नहीं बनाया, वो तो भाजपा ने बनाया। तो प्रदीप चौधरी का दोष कितना हुआ, 20%, बाकी 80% दोष बीजेपी का है। मतलब भीतर घात का भी प्रदीप चौधरी को बड़ा नुकसान हुआ इस चुनाव में।
बेशक कोई शक ही नहीं इस बात में, तो अब आप जब विधानसभा आएंगे परिणाम आप देख लेना, नहीं तो कैराना में कितने मजबूत लीडर मौजूद है भाई, वीरेंद्र सिंह मौजूद है, मनीष चौहान मौजूद है, मृगांका सिंह मौजूद है, अनिल मौजूद है, थाना भवन में राणा जी मौजूद है, शामली में और लीडर मौजूद है, गंगो में किरत सिंह मौजूद है, वहां मुकेश चौधरी मौजूद है, अगर इतने और सारे मौजूदा विधायक और मजबूत कंडीशन में, उसके बावजूद भी अगर आप चुनाव लूज करते हैं तो भाजपा का रोल क्यों नहीं है इसमें, प्रदीप चौधरी पर आप अकेले कैसे टीका फोड़ देंगे। अच्छा मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने आपके कई इंटरव्यू किए, आपने कहा कि यहाँ से गठबंधन से टिकट इकरा हसन का होगा, वो टिकट भी मुझे डेढ़ साल से पता था। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदीप चौधरी को टिकट देगी, वो टिकट भी प्रदीप चौधरी को मिला। आपने कहा कि इस चुनाव में राजपूत विरोध करेगा, वो विरोध भी सामने आया। तो अब आप क्या कह रहे हैं, इस सीट पर चुनाव कौन जीत रहा है? इकरा को एज है, इकरा को एज है, मैं तो नहीं कहता जीत रहे कितने जीत रहे, लेकिन इकरा को एज है, मतलब मेरे मुझे लगता है इकरा से चुनाव जीत रहे। कितने वोटों से क्या आपका अनुमान है? ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन कम से कम 50-60 हजार वोट और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, ये पता लगता है कि वोट किस मनो दिशा में किसने डाला है, लेकिन कम से 50-60 हजार वोट से वो जीत जाए, ऊपर की वो 2 लाख भी 1.5 लाख भी, वैसे नॉर्मली 1 लाख के आसपास तक जा सकती है, मतलब 1 लाख वोटों से इकरा हसन की जीत आप मानकर चल रहे हैं? मैं 50-60 हजार के मान के चलता हूँ उसमें, फिर चूंकि देखो हम अनुमान लगा रहे हैं जो हमारे पास आंकड़े हैं, अभी जो इसमें आंकड़े हैं जो परसेंटेज वोट का गया किसने कहा किसको वोट दिया कौन बता सकता है, लेकिन मोटा मोटा जो परसेप्शन है जो आंकड़े हमारे पास जो माहौल बन रहा है जो नाराजगी है सब चीजें जोड़ के मानते हैं 50-60 हजार वोट से तो बिल्कुल वो जीतेगी, ऊपर क्या होगा पता नहीं। चलिए तो लोकेश सलारपुरा जी को आपने सुना, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ, नमस्कार।